अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, अयोध्या में अरबों रुपए के भूमि घोटाले हुए हैं, यहाँ पर भूमाफियाओं ने जमीनें खरीदी हैं। उन्होंने मांग की है कि इसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि जैसे जैसे अयोध्या की जमीन के सौदों का भंडाफोड़ हो रहा है, उससे ये सच सामने आ रहा है कि भाजपा राज में अयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए बड़े स्तर पर जमीन की खरीद फरोख्त की है। उत्तर प्रदेश शासन ने बलिया जिले की 40 सड़कों के लिए 20 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी है। इसमें रसड़ा कस्बे को जाम से निजात दिलाने के लिए लखनऊ बलिया मार्ग स्थित नारायणपुर परिसिया मोड़ से सिगही होते हुए लगभग 12 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। वहीं परसिया मोड़ भिकारी गांव की ओर जाने वाली सड़क को 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 13 नए स्वशासी मेडिकल कॉलेज को मान्यता न मिलने को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से फोन पर बातचीत की। सीएम योगी ने उनसे इन कॉलेजों को मान्यता देने की अपील की है। सीएम योगी ने नड्डा से कहा है कि इन कॉलेजों में तैयारी की कमी नहीं है, बल्कि नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों में अचानक बदलाव हो जाने के कारण कुछ दिक्कत आई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लोग हैरानी में पड़ गए हैं जब उन्होंने बुलडोजर पर दूल्हे को सवार देखा। दूल्हा पूरे बैंड बाजे के साथ बुलडोजर पर नाचते गाते हुए अपनी बारात लेकर आ रहा है, जिसके बाद ये अनोखी शादी चर्चा में आ गई। इस अनोखी बारात को देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ लग गई। इसके बाद तो लोगों ने भी बारात पर फूल बरसाए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सूरजपाल सिंह के सत्संग के बाद भगदड़ मचने के कारण 121 लोगों की हुई मौत के मामले में स्वयंभू बाबा के अधिवक्ता एपी सिंह ने मायावती पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबा को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान से अराजकता फैलेगी, उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए। यूपी के ग्रामीण इलाकों से बिजली चोरी की अधिकतर घटनाएं आती हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए नया सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इस क्रम में यूपी के इस जिले में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। बिजली चोरी पर रोक लगाने, गड़बड़ बिलिंग से छुटकारा और बिजली का कम उपयोग करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील अपनी कई मांगों को लेकर आज एक दिन की हड़ताल पर हैं। वकील आज कोई कामकाज नहीं कर रहे हैं। वकीलों की हड़ताल के चलते हाई कोर्ट में आज मुकदमों की सुनवाई नहीं हो रही है। तमाम मुकदमों में तारीख लग गई है। वकीलों ने दोपहर के वक्त अलग अलग गेट पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन भी किया। बाढ़ की चपेट में आए पीलीभीत जिले के हालात को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरनपुर के चंदिया हजारा में पहुंचे। यहां पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने शहर का भी हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने चंदिया हजारा में बाढ़ राहत शिविर में पीड़ितों से हाल जाना। उन्होंने प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में काशीवासियों के लिए विशेष मार्ग की ओर कदम बढ़ गए हैं। ये गेट नंबर 4 के पास चंदू फारिया मार्ग से होगा। मंदिर प्रशासन ने इसे काशी द्वार नाम दिया है। इसे सुबह शाम 4 बजे से 5 बजे तक काशीवासियों के लिए खोला जाएगा। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत अभी ट्रायल के रूप में नेमी दर्शनार्थियों से होगी। व्यवस्था सुदृढ़ और व्यवस्थित होने पर अगले सप्ताह से आम काशीवासियों को बाबा तक जाने के लिए अपना काशी द्वार मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से पहले एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली। प्रदेश में 10 एडिशनल SP के ट्रांसफर किए गए। प्रयागराज की 14वीं वाहिनी PSC में तैनात प्रवीण सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक कुंभ मेला बनाया गया। असीम चौधरी को भी कुंभ मेला अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर ट्रांसफर किया गया है।